पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा की तरफ से फोटो शेयर किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कुश्ती के फाइनल में पहुंची फोगाट को वजन के चलते अयोग्य करार दे दिया गया। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। पार्टी ने उन्हें हरियाणा की जुलाना सीट पर टिकट दे दिया है। जब फोगाट अस्पताल में भर्ती थी तब उषा उनसे मुलाकात करने पहुंची। उस दौरान आईओए चीफ ने फोगाट के साथ तस्वीर भी खींच ली। सोशल मीडिया पर फोटो की खासी चर्चा भी हुई। दरअसल वजन कम करने की कोशिश में फोगाट की तबीयत पर असर पड़ गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया था। अब पहलवान ने आरोप लगाया कि उषा ने फोटो शेयर कर राजनीति की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ कौन सा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा, पीटी उषा मैम मिलने अस्पताल आई, एक फोटो भी क्लिक की। जैसा कि उन्होंने कहा कि बंद दरवाजे के पीछे राजनीति में बहुत कुछ होता है, उसी तरह वहाँ पेरिस में भी राजनीति हुई, इसलिए मेरे दिल टूट गया। नहीं तो कोई लोग थे जो कह रहे थे कि कुश्ती मत छोड़ो। फोटो को लेकर उन्होंने आरोप लगाए कि बगैर उनकी जानकारी के तस्वीरें खींची गई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। उन्होंने कहा, आप अस्पताल के बिस्तर पर हैं जहां आपको नहीं पता कि बाहर का जीवन कैसा चल रहा है। आप जीवन से सबसे बुरे दौर में गुजर रहे हैं। ऐसे में वहां सिर्फ ये देखने के लिए कि आप मेरे साथ खड़ी हैं, आप बगैर बताए फोटो खींच रही हैं। उन्होंने कहा कि फोटो सोशल मीडिया पर डालकर बोल रही हैं कि हम साथ खड़े हैं, ऐसे समर्थन नहीं जताया जाता, वो दिखावे से ज़्यादा दिखता है। विनेश फोगाट ऐसे ही लगातार कई नेताओं पर और कई लोगों पर भी टिप्पणी कर रही हैं। जब से उन्हें जुलाना से टिकट मिला है उससे बाद वो काफ़ी सक्रिय है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।